नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। रात जमीनी विवाद में हुई डॉक्टर की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां आज पोस्टमार्टम के बाद मृतक डॉक्टर घनश्याम तिवारी का शव उनके पैतृक गांव लंबुआ स्थित सखौली कला पहुंचा तो परिजनों में आक्रोश देखने को मिला। साथ ही राजनीतिक धुरंधरों का भी जमावड़ा देखा जा रहा है। मृतक डॉक्टर के घर जहाँ भाजपा के लंबुआ विधायक सीताराम वर्मा तो वहीं कांग्रेस पार्टी से नगर के चेयरमैन प्रत्याशी रहे वरुण मिश्रा सहित सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दरअसल बीती शाम जमीन विवाद और पैसे के लेन देन में भाजपा नेता के भतीजे अजय नारायण सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर घनश्याम तिवारी की पीट पीट कर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि डॉक्टर की हत्या के आरोपी और उनके रिश्तेदारों सहित जानने वालों की संपत्ति का जायजा लिया जा रहा है। भूमाफियाओं की लिस्टिंग की जा रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक सोमीन वर्मा ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है, जल्द दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। वहीं इस मामले में नया मोड़ तब आया जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जिले में आने की खबर आई। जानकारी के मुताबिक कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिले के सौली विधानसभा से दो बार विधायक रहे स्वर्गीय अबरार अहमद के घर पहुंच रहे हैं। वहां से मृतक पूर्व विधायक के परिजनों के साथ मुलाकात करेंगे। कयास लगाया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मृतक डॉक्टर घनश्याम तिवारी के परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं इस मामले में जब जयसिंहपुर के पूर्व विधायक अरुण वर्मा से बात की गई तो उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, गुंडों माफियाओं को कानून का डर नहीं है, दिन दहाड़े हो रहे रास्ते पर जिसे चाहे लोग गोली मारकर मौत के घाट उतार दे रहे हैं। वहीं डॉक्टर घनश्याम तिवारी की मौत पर कहा जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और दोषियों को सजा मिले जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। देखिए, ये घटना सिर्फ कोई सुल्तानपुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है। हर जगह आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार की भरमार हो गई। कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ नहीं है। और मैं प्रशासन से भी मांग करता हूँ, जो भी इसमें दोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। पता कि कल क्या अखिलेश यादव के पूर्व मंत्री भी आ रहे हैं क्या? कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के दो बार विधायक रहे सौली से स्वर्गीय अबरार अहमद जी के उनके परिवार से मिलेंगे, सोच संवेदना व्यक्त करेंगे और पूरी पार्टी हमारे वहाँ पे समाजवादी पार्टी रहेगी। विधायक जी, कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने शुरू में कह दिया कि कानून व्यवस्था की नामी कोई चीज़ें नहीं प्रदेश में। आए दिन आप उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ये पहली घटना सुल्तानपुर में थोड़ी हो रही है। आपने जयसिंहपुर में देखा होगा कि कोई दुकान पर बैठा है, आज लोग गोली मार के चले जा रहे हैं, कोई घर से बाहर जा रहा है गोली मार दे रहे हैं। तो कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ नहीं है। और मैं प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि जो भी दोषी, जो घटना कल की हुई है, जो भी दोषी इसमें हो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार के न्याय मिले। दीप नारायण ने उनको फोन किया और बुलाए, फिर उसके बाद इस तरह उन लोगों ने उनका बेटा और क्या किए, इस तरह भाई साहब को जो है बुला करके कमरे में बंद करके मारे, आसन में छोड़ दिए घर पे। लाकर क्या करते थे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब MBBS और पीडियाट्रिक्स डॉक्टर। कहाँ पे थे तुम्हें? ये जयसिंहपुर में पोस्टिंग थी। जयसिंहपुर में पोस्टिंग थी। क्या मांग है आपकी, क्यों दाह संस्कार नहीं कर रहे हैं? नहीं, दाह संस्कार तब तक हम नहीं करेंगे जब तक। स्ट्रीट बस के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।